तो ये हैं जी बड़े भैया, लेटे हुए हैं। आज इनका बुखार है 103 का, तो साथ में रोज़ा भी रखा हुआ है। आपको भी बुखार है? ओ अल्लाह ताला मेरे बच्चे को सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। बेगम ने सलाम कर दिया आपको, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से भी, और उम्मीद करते हैं, मुझे नहीं पता था वीडियो स्टार्ट हो गई है, तो उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। और अभी मैं बना रहा हूँ चिप्स हमारे जो बनाते होते हैं। आज है 23वां रोजा और उम्मीद करते हैं आपका रोजा भी अच्छा जा रहा होगा। आज भी हमारे घर के बाहर बहुत अच्छे अच्छे बादल आए हुए हैं। मैंने उन्हें कहा था बैठक में बैठ जाएं, पर नहीं वो बैठे। तो अभी बाकी की बातें जो आप बेगम साहब से देखे, वो बेगम साहब स्ट्रॉबेरी जूस भी बना रही हैं और मैं हमेशा की तरह ताजा चिप्स। ये स्ट्रॉबेरीज मंगवाई हुई हैं फ्रेश वाली, इनको मैंने धो के कर लिया, कुछ को ये सेपरेट कर दिया। ये जो जिनका शेक बनाना है इनको मैंने अलहदा कर दिया, इनके पत्ते वगैरह उतार के। और इधर करे जरा कैमरा मुझे, इधर ये स्ट्रॉबेरी जो मंगवाई है भाई किला ने भेजी है, बहुत शुक्रिया भाई किला का भी। आसमान जो मेरी बहू है उसकी बड़ी सिस्टर जो है, उन्होंने उनको आपने वीडियो में भी देखा हो हमारी, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे लिए स्ट्रॉबेरीज भिजवाई हैं वहाँ से। बहुत शुक्रिया भाजी आपका कि आपने इतनी दूर से हमारे लिए जो है स्ट्रॉबेरीज भेजी हैं। तो ये देखें चिप्स हमारे जो हैं वो साथ साथ हो रहे हैं फ्राई, तकरीबन एक साइड से होने ही वाले हैं। साथ साथ चार जी डालते जा रहे हैं और देखिए कितने मज़े के फूल रहे हैं हमारे चिप्स। और इसमें मैं चीनी वगैरह ऐड करती हूँ और ये भी जूसर ब्लेंडर भी शाहजी को दूंगी, वो ही चलाएंगे और इसको बनाएंगे। तो साथ फ्रूट वगैरह काट लेंगे और देखेंगे कि खजूरें वगैरह रख के सिंपल सी इफ्तारी क्या ख्याल है, और फिर बाद में खाने में चावल खा लेंगे। ठीक है ना? सही है। जैसे जैसे रोज़ा जो है वो रोज़े कम होते जा रहे हैं हमारी, इफ्तारी में चीज़ों की भी छोटी होती जा रही है, इफ्तारों में चीज़ों की क्वान्टिटी जो है वो भी कम होती जा रही है, इफ्तारी कम होती जा रही है जी। और उधर बच्चे आपको दिखाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, नमीरा मिनसा लोगों को। ये देखें जी, ये नमीरा को पढ़ने के लिए बिठाया हुआ है, क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। रोजा आपको तंग कर रहा है जी? इफ्तारी में बस थोड़ा ही टाइम रह गया, आधा घंटा। आधा घंटा देख के आइए। चलें यहाँ पे नमीरा पढ़ रही है अभी, मिनसा और फिजा की तरफ, मिनसा सॉरी दादो की तरफ गई हुई है, वो अभी अभी तायरा आई हुई थी उसके साथ चली गई है। मैं भी आई हूं काम में। तो ये नमीरा मेरी डेट शीट है, अभी मैं ये वाला टेस्ट तैयार। नमीरा के असेसमेंट हो रहे हैं, कल तो कई परसों तक कई टेस्ट नहीं, कल कुरान का और इंग्लिश वीक है, फिर मैथ्स का लास्ट भी होगा। मैथ्स का तो आपका अच्छा होना चाहिए ना, उसकी तो तैयारी आपको मैंने बहुत अच्छी करवाई हुई है ना जी। चलें अभी मैथ भी किया मैंने। नहीं मैथ का तो ये तो आपने होमवर्क किया है ना, क्लास वर्क जो मिला हुआ था होमवर्क के लिए वो किया ना, असेसमेंट की बात कर रही हूँ। चलें अभी मिनसा फिजा की तरफ देखते हैं कि वो क्या कर रही है। ये बैठी है मेरी सोनी सी बेटी फिजा, ये बैठी मोबाइल यूज़ कर रही है एज यूजल, है ना? आपका मुंह क्यों गद्दा किया हुआ है? आपने बिस्किट खाया था जी। दोया नहीं था फिर तक खाएंगे। अच्छा तो ये हैं जी बड़े भैया, लेटे हुए हैं। आज इनका बुखार है 103 का, तो साथ में रोज़ा भी रखा हुआ है। आपको भी बुखार है? ओ अल्लाह ताला मेरे बच्चे को सेहत दे। रोज़ा भी रखा हुआ, बेफ्तारी होती है तो उसके बाद फिर कोई दवाई शवाई इनको देंगे, क्या ख्याल है? ठीक है। तैयार हो गया काम आपका, होमवर्क जो भी मिला हुआ? अभी सबक पढ़ के ये फ्री हुए हैं, बिजी हुए हैं तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। और फिजा तो रहती इजी हर वक्त, क्योंकि हर वक्त मोबाइल यूज़ करती है। तो अभी फिर चलते हैं किचन में। अभी याद आई है पूरी बातें कर करके, अब याद आई है फिजा को सलाम करना था आप सबको, तो अभी किचन में चलते हैं और अपना काम ख़त्म करते हैं। ये देखें जी शेक, और ये हमारे चिप्स भी तकरीबन बन गए, अभी इसको निकालने का स्टेज आ गई है। और ये रह गया, बस इसको भी बनाते हैं और फिर। ये देखें जी ये फ्राइज हमारे जो हैं अभी फ्राई हो रहे हैं, और शाहजी यहाँ बिजी हैं और अजानें स्टार्ट हो गई हैं, जल्दी से जाते हैं रूम में और बच्चों को मैंने दस्तरखान लगा दिया, अभी इफ्तारी करते हैं। और ये देखें जी ये हमारा दस्तरखान जो है वो लग गया, ये माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा दस्तरखान जो है वो लग रहा है। ये हमने शेक बनाया और बॉटल में रख लिया एज यूजल। यहाँ बैठे हुए हैं बड़े भैया, बाहर आज उनके उड़े हुए हैं क्योंकि इन्होंने तेल नहीं लगाया, अभी नहलाया था इन्हें, बुखार था। मैंने कहा नहा लें आप, अजानें जो हैं वो ज़रा अभी
हमारी वाली मस्जिद में नहीं हुई है, वहाँ होंगी तो फिर हम भी इफ्तारी करेंगे। जो हमारे घर के पास मस्जिद है ना, उस वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेगी, इसलिए हम अभी थोड़ी गपशप लगा रहे हैं। और ये फिज़ा भी बैठी हुई है। फिज़ा कैसे घूर घूर के थे? आपको भी बुखार था? वो मेरे बेटे को भी बुखार हो गया था, अभी राम आ गया। और ये शाह जी यहाँ आ गए हैं, अभी चावल कहने लगी, चिप्स जो है वो उसमें डाल के तो इफ्तारी करके जाएंगे। इतनी देर में उसको भी फिर साथ साथ देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस अजाने होने का वेट कर रहे हैं। और फिज़ा का तो सबसे पहले होता है ना अफ्तार रोज़ा जी। तो व्यूअर्स, अफ्तारी जो है वो हो गई है, तो अभी नमीरा जो है वो दुआ पढ़वाएंगी। चलो नमीरा, मैं पढ़ा दूँ। اللهم اني لا قسمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت چلیں جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کا روزہ جو 23واں روزہ ہے وہ بھی ماشاء اللہ سے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ابھی ہم ان چیزوں کے ساتھ نپٹ لیں یہ جو دسترخوان پہ رکھی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور فضا نے بھی پڑھنا ہے جی اول کلمہ طیب طیب ہے پاک لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شاباش چلیں جی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی ہم یہ کھاتے پیتے ہیں تو اس کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں میرے ویورز کھانا افطاری ہم کھا چکے ہیں اور کھانا بھی کھا چکے ہیں بیگم صاحبہ ابھی برتن وغیرہ دھونے گئی ہوئی ہیں تو نمیرہ بن صاحب کو بھی آنے سونے کے لیے لٹا دیا میرے ساتھ صرف ہے اس ٹائم فضا تو میں نے سوچا کہ ویڈیو کا اینڈ کر لیں تو آپ نے بھی چاول کھائے ہیں تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے دسترخوان کو بہت ہی وسعت عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ہی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک لیے اللہ حافظ